खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी नवाबों के शहर लखनऊ के रोचक इतिहास की, दुनिया से गायब होने वाले वाई क्रोमोसोम की और कोलकाता में रेप कांड पर मचे सियासी बवाल की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अकाली नेता सिमरनजीत मान के रेप का तजुर्बा वाले बयान पर कंगना रनौत का पलटवार। पंजाब के पूर्व सांसद और शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने गुरुवार को एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इसको लेकर पूर्व सांसद की जमकर आलोचना भी हो रही है। वहीं अब इस पर कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अकाली दल नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है ये देश रेप को महत्वहीन बनाना कभी बंद नहीं करेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंची कंगना रनौत, किसान आंदोलन को लेकर दी सफाई। किसान आंदोलन को लेकर अपने बयान के कारण चर्चा में आई भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत गुरुवार को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची। मुलाकात के दौरान कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर दिए गए अपने बयान पर दी सफाई। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, 5 सितंबर तक बढ़ा दिया है। बता दें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह आदेश दिया। रिलायंस एजीएम की मीटिंग, बोनस शेयर के साथ मुकेश अंबानी ने किए कई बड़े ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग की। इसे संबोधित करते हुए रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया, साथ ही किए कई बड़े ऐलान। शेयर बाजार में जारी रहा तेजी, लगातार 11वें दिन हरे निशान पर बंद हुआ सूचकांक। आज शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 349 अंक की तेजी के साथ 82,134 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 99 अंक बढ़कर 25,151 अंक पर बंद हुआ। ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी से दिल को दहला देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ एक बुजुर्ग महिला और उसके नाबालिग पोते को बेरहमी से पीट रही है। ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। हम आगे आपको कुछ भी बताएं, उससे पहले आप जरा देखिए इस वीडियो को। वही वीडियो वायरल होने के बाद जबलपुर रेल एसपी ने जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा बहनी को लाइन अटैच करते हुए मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक को दी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में दलितों के जीवन को असुरक्षित बताया है। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। नवाबों का शहर, ये महज नाम नहीं है, उनकी पहचान है। जहां के हर नागरिक में नवाबी ठाट देखने को मिलता है, लेकिन वो है नहीं जो आप समझ रहे हैं, बल्कि ये लोग दिल से नवाब होते हैं। इन दो लाइन से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। ये शहर आज भी अपनी पुरानी विरासत समेटे हुए, यहाँ के ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को अपने पुराने इतिहास की ओर ले जाते हैं। तो चलिए आज आपको लखनऊ के रोचक इतिहास से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि किन मायनों में नवाबों का शहर लखनऊ इतना खास है। लखनऊ शहर अपनी खास नजाकत और तहजीब के लिए जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है, जो दशहरी आम के बाग तथा चिकनकारी के लिए खास तौर पर जाना जाता है।
इस शहर की अपनी अलग संस्कृति, खानपान और प्राचीन इतिहास है, इसलिए लोग हर साल दूर दराज से लखनऊ जैसे शहर की संस्कृति को निहारने और कई नवाबी खानपान का लुत्फ उठाने आते हैं। जब भी हम लखनऊ शहर में शिरकत करते हैं तो एक कहावत यकीनन हमें जरूर सुनने को मिलती है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे तहजीब का शहर या नवाबों के शहर कहा जाता, उसके नाम का क्या अर्थ है? तो आपको बता दें कि लखनऊ का इतिहास बेहद रोचक रहा है, क्योंकि इसके निर्माण में अवध के कई नवाबों का हाथ रहा, जैसे सादत अली खान, सफदरजंग, शुजा उद्दौला, आसफ उद्दौला आदि। इतिहास में मिलता है कि लखनऊ के स्वरूप की स्थापना नवाब आसफ उद्दौला ने 1775 में की थी। उस वक्त लखनऊ का नाम अवध हुआ करता था और यह शासकों की राजधानी हुआ करती थी। राजधानी के दौरान ये काफी फेमस हुआ और 1850 में लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। इसके बाद अवध पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन शुरू हो गया। बता दें अवध का नाम लखनऊ कैसे पड़ा, इसे लेकर काफी विवाद है। कई इतिहासकारों का मानना है कि लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर और लखनऊ के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि अयोध्या के राम ने लक्ष्मण को लखनऊ भेंट किया था। तो वहीं दूसरी ओर यकीनन आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि लखनऊ नवाबों का शहर है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस शहर को नवाबों के शहर के नाम से जाना क्यों जाता है? क्योंकि इस शहर का इतिहास ही इसे अन्य शहर से अलग और खास बनाता है। बता दें यहाँ का रहन सहन, खान पान, भाषा, इमारतें, पहनावे आदि में राजसी जीवन की झलक दिखाई देती है, क्योंकि इस शहर पर कई अरसों तक नवाबों का शासन रहा है। जाहिर है लखनऊ अपनी विरासत में मिली संस्कृति को आधुनिक जीवन शैली के संग बड़ी सुंदरता के साथ आज भी संजोए हुए है। यहाँ के समाज में नवाबों के समय से ही पहले आप वाली शैली समाई हुई है। हालांकि वक्त के साथ अब बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन यहाँ की एक तिहाई जनसंख्या इस तहजीब को आज भी संभाले हुए है, जो लखनऊ की पहचान है। इसके बिना तो लखनऊ अधूरा सा लगता है। खैर, आपको हमारी ये दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जिंदगी कैसे चलती है, सोचिए, क्या जिंदगी केवल लड़कियों के दम पर या केवल लड़कों के दम पर चलती है, चल सकती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब दुनिया बनी और मनु का जन्म हुआ तो मनु भी दुनिया अकेले नहीं चला पाए और कड़ी तपस्या की और अनंती को पत्नी के रूप में पाया। उसके बाद दुनिया आगे बढ़ी और चली, यानी कि दुनिया के लिए जितने जरूरी लड़के हैं उतनी ही जरूरी लड़कियां भी हैं। मगर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब दुनिया में लड़कों का जन्म होना बंद हो जाएगा, ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा दावा कर रही है साइंस, जो बता रही है कि दुनिया से गायब होने लगा है वाई क्रोमोसोम। देखिए रिपोर्ट और जानिए आखिर क्या है ये पूरा मामला। क्या भविष्य में लड़कों का जन्म नहीं होगा, सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी? क्या दुनिया से गायब होने लगा है वाई क्रोमोसोम? कुछ पीढ़ियों बाद सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी? ये कुछ सवाल है जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। दरअसल एक रिसर्च सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि वाई क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो लड़कों के जन्म के लिए जिम्मेदार है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो कुछ पीढ़ियों बाद सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी। अब आप अगर नहीं जानते हैं कि आखिर वाई क्रोमोसोम क्या है, तो चलिए आपको बचपन में साइंस में पढ़े गए इस क्रोमोसोम से मिलवाते हैं। इंसानों में दो सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पहला एक्स और दूसरा वाई, जो किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण करते हैं। महिलाओं के सेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई होता है। एक्स क्रोमोसोम में लगभग 900 जीन होते हैं जो लिंग निर्धारण के अलावा तमाम तरह के कार्य करते हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम में करीब 55 जीन और बहुत सारे नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं जो भ्रूण को पुरुष के तौर पर विकसित होने में मदद करता है। लॉट्रोप यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्भधारण के लगभग 12 सप्ताह बाद वाई क्रोमोसोम वाला मास्टर जीन दूसरे जीन्स को एक्टिव कर देता है जो तय करते हैं कि बच्चा एक लड़के के रूप में विकसित हो
अब मसला ये है कि आखिर नया रिसर्च क्या कह रहा है। द वीक में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक वाई क्रोमोसोम का ज्यादातर हिस्सा जंक डीएनए से बना है और इसकी संरचना अस्थिर है। इसी वजह से कुछ पीढ़ियों के बाद पुरुषों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से खत्म होने का खतरा है। क्योंकि पुरुषों के पास क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी होती है, इसलिए जेनेटिकली रिबल्ड होने की संभावना भी नहीं है। क्योंकि ये जेनेटिकली रिबल्ड नहीं होते हैं, इसलिए ये जीन समय के साथ खराब हो जाते हैं। वाई क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम की तरह 900 के आसपास जीन थे, जो अब घटते घटते सिर्फ 55 रह गए हैं। अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले 11 मिलियन सालों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरीके से गायब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लड़के पैदा नहीं होंगे। अब आपके मन में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वाई क्रोमोसोम खत्म होने के बाद इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाए या तब तक कोई नया सेक्स क्रोमोसोम डेवलप हो जाए, कुछ ये कहा नहीं जा सकता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कांटेदार चूहों ने अपना वाई क्रोमोसोम खो दिया था, लेकिन वे नया जीन डेवलप करने में सफल रहे। यानी कि देखा जाए तो जब से ये बात सामने आई है, लोगों में तहलका मच गया है। लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर वाकई रिसर्च का दावा सही हुआ तो फिर क्या होगा। दावा किया जा रहा है कि वाई क्रोमोसोम खत्म हुआ तो ऐसा भी मुमकिन है कि आज से 11 मिलियन साल बाद पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रजनन के लिए शुक्राणु की जरूरत होती है, यानी इसके लिए पुरुषों का होना जरूरी है। साफ है कि वाई क्रोमोसोम का अंत मानव जाति के विलुप्त होने की शुरुआत कर सकता है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले को लेकर बंगाल में बवाल जारी है। इंसाफ की लड़ाई अब बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी भंवर में फंस गई है। बुधवार को बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद के बाद अब अगले हफ्ते बीजेपी जोरदार धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। एक तरफ कांग्रेस का कोलकाता में प्रोटेस्ट मार्च है, तो टीएमसी ने भी पूरी ताकत से सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। पीड़िता को न्याय दिलाने की इस जंग में अब राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। एक पार्टी के धरने का जवाब दूसरी पार्टी भी धरना देकर कर रही है। बंगाल बंद के जवाब में एक और बंद की तैयारी है। ऐसे में अगले पूरे हफ्ते में बंगाल की सड़कें नारों की गूंज और धरनों से गूंजती रहेंगी। आपको बता दें कि इन सब के बीच आज 29 अगस्त को कोलकाता के एस्प्लेनेड में बीजेपी का धरना जारी है। इसके बाद 30 अगस्त को बीजेपी की महिला विंग, दरअसल महिला आयोग का घेराव करने जा रही है। बीजेपी 2 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट दफ्तरों का घेराव करेगी। पार्टी 4 सितंबर को ब्लॉक दफ्तर पर धरना करने जा रही है। 6 सितंबर को बंगाल के हर मंडल में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी कोलकाता में 3 प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के बंद पर तृणमूल कांग्रेस ने तय किया है कि वो भी सड़कों पर उतरकर इसका माकूल जवाब देगी। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 30 अगस्त को टीएमसी के समर्थक छात्र प्रदर्शन करेंगे। पार्टी 31 अगस्त को हर ब्लॉक में प्रोटेस्ट करेगी। 1 सितंबर को टीएमसी का महिला मोर्चा भी प्रदर्शन करेगा। ममता बनर्जी की मांग है कि देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगी जिसे रेप के मामले में 10 दिन में न्याय मिलेगा, और अगर बिल को राजभवन ने पारित नहीं किया तो वहां भी प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी हम डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। असम विधानसभा ने गुरुवार को मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया। वहीं अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसका असर दिल्ली NCR तक वो देखने को मिला है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 5.7 मापी गई। वहीं बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। हालांकि इस बीच वन विभाग ने चौथे नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ लिया है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर अपने बयानों के कारण चर्चा में आई भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत गुरुवार को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरद सिंह की याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह से पूछा कि आरोप तय करने के आदेश के साथ कार्यवाही को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 5 सितंबर तक बढ़ाई है। वहीं मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं सालाना आम बैठक शुरू हो गई है। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से हम रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी। ईडी के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, फिर ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत मिलने के बाद आपको लग रहा है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। उनको भी ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है, तो सीबीआई के मामले में भी जमानत मिलना समय की बात है। तभी पार्टी ने एक नया अभियान शुरू किया है, केजरीवाल आएंगे। ये सिर्फ केजरीवाल के जेल से छूटने के लिए नहीं है, बल्कि दिल्ली में वापसी के लिए भी है। आपको बता दें कि 5 साल सरकार चलाने के बाद 2020 में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने उतरी थी, तब उसने लगे रहो केजरीवाल कैंपेन चलाया था। इसका पार्टी को लाभ मिला। अब निरंतरता से ज्यादा ये नैरेटिव माना जा रहा है। केजरीवाल को ताकत के दम पर रोकने और रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे ज्यादा मजबूत हैं और वापस आएंगे, इसलिए केजरीवाल आएंगे का अभियान शुरू हुआ है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। कोई कितना भी कड़वा बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को नहीं सुखा सकते।